वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त बी अमानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिया स्मार्ट थॉट वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद है कि आप गुड होंगे फिटफट होंगे और खूब मजे में होंगे आज मैं आपके साथ मेन्स वेयर कुर्ता डिजाइनिंग की वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मेरे पास बहुत ही आउट क्लास और बहुत ही जबरदस्त डिज़ाइन है सो so, इसमें आपको ऑफिस वेयर डिज़ाइन भी कुर्ते के मिल जाएंगे फॉर्मल वेयर कैजुअल वेयर डिजाइनिंग भी है इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सो डोंट स्किप द वीडियो जस्ट कीप वॉचिंग टिल दैंड एंड इफ यू आर न्यू कमर ऑन माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑल्सो आइकन बटन ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सो आई जी वीडियो स्टार्ट करते हैं ओके जी सबसे पहले मैं आपके साथ इस कुर्ते का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ ये फैब्रिक भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी ये सब विंटर फैब्रिक पे डिज़ाइनिंग है क्योंकि आजकल विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है सो so, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है ये कुर्ते के जो है कि आप विंटर सीजन के लिए अपने टेलर से या ख़ुद भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं सो so, ये ये करंडी का फैब्रिक है जिसपे ये डिज़ाइन बनाया गया है और पिस्ता कलर जैसे कि आपको कैमरे में नज़र आ रहा है इस पे पिस्ता कलर पे ब्लू कंट्रास्ट में इस पे फैब्रिक वर्क करवाया है एप्लिक एप्लिक वर्क है ये सारा ठीक है जी सबसे पहले मैं आपको इसका बैन दिखा देती हूँ ये देखें ये पिस्ता कलर पे ये ब्लू कलर की फैब्रिक के साथ डोरी पाइपिंग हुई हुई है इसकी नेक लाइन के साथ साथ ठीक है जी और देन ये जो है ये जीन्स का कपड़ा है ये उसकी एप्लिक की हुई है और साथ में तीन सिलाइयाँ जो हैं वो मोटी एंकर के धागे की जो है ना उसके साथ जो है सिलाियां लगाई हुई हैं ये इसका बैक का बैन है ठीक है जी इसमें भी सारी डो डोरी पाइपिंग है ठीक है डोरी पाइपिंग की हुई है देन ये एंकर के धागे की सिलाइयाँ लगी हुई हैं ठीक है जी ये इसका बैन है और इसकी जो पट्टी है ठीक है जी बैन पट्टी इनर साइड पे उसी फैब्रिक की जो है वो अप्लाई किया हुआ है जी और देन ऊपर जो है वो डोरी पाइपिंग की हुई है और देन वही तीन एंकर के धागे की सिलाइयाँ लगा के नीचे जो है वो ये जो है वो जीन्स का कपड़ा उसकी अप्लाई करके तो देन उसके साथ साथ जो है वो एंकर के तारे की धाई की सिलाइयाँ साथ साथ चली आ रही है और इसके साथ जो है ये देखें ये पॉकेट स्टाइल है ये पॉकेट नहीं है लेकिन जस्ट पॉकेट स्टाइल दिया हुआ है और इस पे भी देखें न, ये देखें डो ये डोरी पाइपिंग करके देन ये थोड़ा सा जीन्स का फेब्रिक ऐड किया हुआ है उसकी अप्लाई करके और देन उस पर भी ये तीन एंकर की धाई की सिलाइयाँ लगा के उसका उससे डिज़ाइन किया हुआ है बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है बहुत डिसेंट है और ये ऑफिस वेयर में भी यूज़ हो सकता है जैसे फ्राइडे को जो है वो मैन जो, जो, जो है वो जो मर्द हजरात हैं वो ऑफिस में फ्राइडे को कुछ लवाकिन करते हैं उसके लिए आप ये डिज़ाइन जो है वो बनवा सकते हैं ये इसके कुर्ता स्टाइल इसके बाजू हैं और स्लीव्स का डिज़ाइन है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है अगर आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो मैं कुर्ता अरेंज कर देती हूँ तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें ठीक है जी ओके नेक्स्ट डिज़ाइन में अब आपको दिखाती हूँ ये अच्छा जी अब ये जो है मेरे पास नेक्स्ट डिजाइन ये गर्म स्टफ है विंटर स्टफ़ पे ये डिज़ाइन हम बनाया और ये एम्ब्रॉयडर्ड है ठीक है जी इसमें ज़्यादा काम जो है वो एम्ब्रॉयडरी का है ठीक है जी सबसे पहले मैं आपको इसकी नेकलैन दिखा देती हूँ नेकलैन सारी आप इसकी देख लें जो इसका बैन बना हुआ है सारा सारा बैन जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड है ठीक है जी ये बैक बैक का बैन है ये ठीक है जी और ये इसका फ्रंट का बैन है अच्छा अच्छा जी इस पे अब ये देखिए जी ये आ, ये इसकी बैन पट्टी का डिजाइन है एम्ब्रॉयडरी है ये भी और इसका वन साइड जो है वो ये भी एम्ब्रॉयडरी है ठीक है और ये इसमें पिनटेक्स जो है ना मोटे वाला वो ऐड किया हुआ है और साथ के साथ में इसके ऊपर सेम धागे जो है ना वो एंकर के धागे की ये सिलाई लगाई हुई है ठीक है।, है।, है जी और ये पॉकेट बनाई हुई है ठीक है जी ये पॉकेट है और उसके ऊपर तिरछा कट दिया हुआ है जी और ये एम्ब्रॉयडेड कट है ठीक है जी ये सारी एम्ब्रॉयडरी है ठीक है और ये पॉकेट का पॉकेट स्टाइल दिया हुआ है लेकिन ये पॉकेट भी बनी हुई है ठीक है जी और ये एम्ब्रॉयडरी है ये एंकर की सिलाई नहीं है ठीक है जी इसका जो स्लीव्स हैं उसका डिज़ाइन मैं आपको दिखा दूँ अच्छा जी स्लीव्स इसके सिंपल से हैं और कुर्ता स्टाइल में है ठीक है जी ये इसका स्लीव्स का डिज़ाइन है और ये एम्ब्रॉयडरी है ये भी ठीक है जी और सेम लाइक दिस ओके ठीक है जी और इसके साथ भी शलवार है ठीक है तो इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस डिज़ाइन का तो आप ले सकते हैं बहुत खूबसूरत डिसेंट सा और सोफिस्टिकेटेड सा डिज़ाइन है ये और ओके जी ओके जी नेक्स्ट डिजाइन मैं आपको दिखाती हूँ ये भी विंटर स्टफ है और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है इसमें आपको स्टिचिंग स्टाइल भी मिलेगा और एम्ब्रॉयडरी भी आपको नजर आएगी और ये बहुत मेहनत वाला डिजाइन है काफी खूबसूरत है और हैवी डिजाइन है ये फंक्शन वेयर है फॉर्मल ड्रेस है ये फॉर्मल डिजाइन है थोड़ा सा और ये जो है जी Uh, आपको बॉटल ग्रीन कलर है ये जिस पे ये डिजाइनिंग हुई है बॉटल ग्रीन कलर पे ये स्किन कलर और ऑफ वाइट जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी uh, के लिए कलर यूज किया गया है जो कि बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है और इस पे उठ भी रहा है सबसे पहले मैं आपको इसका बैन का डिजाइन दिखा देती हूँ ये देखिए ये एम्ब्रॉयडरी है सारी ठीक है जी और इसमें ऑफ वाइट और लाइट स्किन कलर जो है वो यूज हुआ है ये सारी इसका बैन पट्टी जो है वो इसकी एम्ब्रॉयड्रीड है और ये बैक साइड है इसकी बहन की ठीक है जी अच्छा जी अब ये नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ ये इसकी जो बहन पट्टी है इसके सिर्फ जो है ना थ्री बटन्स जो है उनको छोड़ के देन ये डिजाइन जो है ना यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई है और उसके नीचे जो है ना ये ये पिनटेक्स हुआ है ये देखें ठीक है ये मोटे पिनटेक्स हैं इसकी बहन पट्टी के नीचे बहुत खूबसूरत डिजाइन है इसका इस कुर्ते का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है अच्छा जी अब इसमें देखें जी आपको ये लेफ्ट साइड पे जो है ना ये पिंटेक्स नज़र आ रहे हैं ये कितने पिनटेक्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव पिनटेक्स ऐड किए हुए हैं जी ये देन ये पिनटेक्स एक ऐड करके तो उस पे उन्होंने सिलाई लगा के देन उन्होंने इस पे ऑफ वाइट कलर का एम्ब्रॉयडरी का धागे के टांके लगाए हुए हैं ठीक है जी, जी जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं उसके बाद जो है ना फिर फिर जो है वो फाइव पिनटेक्स ऐड किए हुए हैं ठीक है जी ये कैमरा अगर आपको फोकस करके दिखा रहा है देखिए जी ये देखिए फाइव पिनटेक्स ये हैं देन ये बड़ा पिंटेक्स ऐड करके उसकी दोनों साइडों पर सिलाई लगा के बीच में उन्होंने ऑफ वाइट कलर का जो है वो आ, कलर यूज़ करके उसके थोड़े मोटे मोटे स्टिच किया हुआ है टैंके लगाए हुए हैं देन फिर जो है वो फाइव पिनटेक्स हैं ठीक है जी ये फाइव पिनटेक्स ऐड किए हुए हैं और ये इसके राइट right साइड का है डिजाइन ठीक है जी अब हम लेफ्ट साइड पे चलते हैं लेफ्ट साइड को किस तरह डिजाइन किया है ओके okay, जी लेफ्ट साइड जैसे कि आपको नजर आ रही है ये इस पे एंकर की धागे की सिलाइयों का काम हुआ हुआ है ठीक है जी ये इस पे ट्रायंगल बना के तो उसका चेक बनाया हुआ है एंकर के धागे की, की सिलाइयों का ठीक है जी बिल्कुल इसी एम्ब्रॉयडरी uh, के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो इसी तरह उन्होंने बड़ा सा पिंटेक्स लगा के उसमें सिलाइया लगाई हुई हैं ठीक है जी और देन उस उसपे उन्होंने ये मोटे मोटा जो एंकल का धागा है उसके उसके साथ उन्होंने स्टिचिंग आ, स्टिचिंग स्टाइल जो है ना वो बनाया हुआ है ठीक है उस पर भी ये ट्रायंगल एक ये वाला है उस पर भी उन्होंने चेक बनाया हुआ है ठीक है जी और देन इन दोनों ट्रायंगल के बीच में एक और बड़ा पिनटेक्स है उसको भी इस तरह डिजाइन किया है और शोल्डर के बिल्कुल नीचे उन्होंने तीन पिनटेक्स बना के ये तीन पिनटेक्स बनाए हुए हैं ठीक है जी ये देखें ठीक है लेकिन उन्होंने इसको सिया हुआ है ये सिलाई है स्टिच्ड हैं तीनों पिनटेक्स और इनके ऊपर उन्होंने ये ऑफ वाइट जो मोटा धागा है एंकर का उसके साथ उन्होंने ये टांके लगाए हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और ये कलर बहुत उठ रहा है इस डार्क कलर पे ऑफ वाइट कलर बहुत उठ रहा है बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है और काफ़ी मेहनत वाला है ये डिज़ाइन और काफ़ी हैवी डिज़ाइन है ये फैब्रिक भी को थोड़ा मोटा है विंटर के लिहाज से सो इस तरह आप अपने विंटर के ड्रेस जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आप इस ड्रेस का इस डिज़ाइन का स्क्रीन इस कुर्ते का लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए ठीक है जी ओके इसके साथ जो है वो कफ है कुर्ता स्टाइल नहीं है ये कफ है और चूंकि ये फंक्शन में ड्रेस है थोड़ा हैवी डिजाइन है सो इसके साथ आप कफ लिंक्स यूज कर सकते हैं ठीक है जी कफ लिंक्स आप यूज कर सकते हैं इसके साथ कफ बनाया है, डबल कफ जो होते हैं ठीक है थीके? ओके ये इसका स्लीव्स का डिजाइन है इसके साथ भी शलवार है होपफुली आपको इस वीडियो से कोई ना कोई डिज़ाइन तो आ, मिल गया होगा आपकी चॉइस का अगर आप आ, विंटर सीजन के लिए अपने घर के मर्द हजरात के कुर्ता डिज़ाइन करना चाहती हैं तो ऑफिस वेयर के लिए फंक्शन वेयर के लिए भी फॉर्मल कैजुअल डिज़ाइनिंग आपको इस वीडियो से मिल गई होगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे नहीं इजाज़त नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी किब्स अल्लाह हाफिज़